आप देख रहे हैं राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क। पिछले दिनों कोलकाता के आरजीगर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक ऑन ड्यूटी महिला डॉक्टर के साथ कथित बलात्कार और नृशंस हत्या पर मेडिकल छात्रों और डॉक्टरों के देशव्यापी विरोध किया जा रहा है। ऑन ड्यूटी महिला डॉक्टर के साथ कथित बलात्कार और नृशंस हत्या को लेकर कालीबाड़ी में कैंडल मार्च का किया गया आयोजन। আজকের যে এই আয়োজনটা এটা টোটালি একটা সোশ্যাল কাজ, এটা একটা মন্দির, মায়ের মন্দির। তাও আমরা এই যে এত জঘন্য একটা অপরাধ হয়েছে, জঘন্য একটা ক্রাইম হয়েছে, একটা ব্রুটাল, मारने। देखो बेसिकली हमने यहाँ पे आज प्रोटेस्ट किया, आज हम जाएंगे, घर जाएंगे, सब अपना नॉर्मली सो जाएंगे, कोई इसको याद नहीं करेगा, कोई भूल। हम जब तक इसको अपनी आवाज़ उठाएंगे नहीं, जब तक ये हम बोलते हैं कि पश्चिमी देश ये कर रहा है, यूएई ये कर रहा है, इंडिया ये नहीं कर पा रहा है, कल वो करेगा, ठीक है, हम जब तक इसको ऊपर तक नहीं लेके जाएंगे, हमने ये नहीं करना कि भी आज अभी घर जाएंगे जाके सो जाएंगे, जब तक उसको सरेआम बीच बाजार उसको टांगते नहीं है ना, जब तक हमें छोड़ना नहीं है सरकार का पीछा। मेरा देखो मेनली ये कहना है, आप लोग आएंगे, करेंगे, इंजॉय करेंगे, सो जाएंगे, भूल जाएंगे, हमने क्या करना है। मेरा बेसिकली ये कहना है सरकार से कि जब तक हम दूसरे देश को क्यों बोलेंगे, अपने देश में करने में क्या क्या दिक्कत है, जब तक उसको बीच सड़क पे चौराहे पे मारेंगे नहीं ना, जब तक ये बंदे सुधरेंगे नहीं। सिंपल सा मोटिव ये है मेरा, देखो गवर्नमेंट से यही कहना है कि इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, इसको भूलना नहीं है। अब हम निर्भय के सीन में भी हमने यही किया, कहे हमने कैंडल मार्च किया, उसके बाद सब कुछ भूल गए, लेकिन आज हमने इस चीज़ को भूलना नहीं है, इस चीज़ को लेके चलना है आगे। जब तक सरकार हमारी बात नहीं मानती, नहीं सुनती, जब तक हमने हटना नहीं है। आज ये पश्चिम बंगाल में हुआ है, कल ये छत्तीसगढ़ में होगा, परसों ये यूपी में होगा, हमने इसको बंद करना है। तो मेरा यही कहना है सरकार से, सरकार इसके बारे में स्ट्रिक्ट एक्शन ले, ठीक है, थैंक यू। Forevermore. Once again, we want justice. We want justice. We